एटापल्ली मेन्स कॉम के मैदान में भारतीय गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह पांडुकुट्टमी तेलामी द्वारा पूरा किया गया और निदेशक द्वारा शाल श्रीफल और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लॉयड्स मिडिल कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन इस वक्त किया गया था। विजेता टीमों को गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लॉयड्स मिडिल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। भारतीय गणतंत्र दिवस भारत गणराज्य में हर साल 26 जनवरी को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय दिवस है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा भारत के संविधान का मसौदा 26 नवंबर ईस्वी सन को संविधान समिति द्वारा तैयार किया गया था। 1949 एवं 26 जनवरी को स्वीकृत भारत का संविधान 1949 में लागू हुआ। 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू, 1929 में लाहौर के निकट रावी नदी तट पर अशोक के तिरंगे झंडे को फहराकर पूर्ण गणतंत्र स्वतंत्रता की घोषणा की। उनकी याद में 26 जनवरी को संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। इस दिन पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और सलामी दी जाती है। भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है और सम्मान किया जाता है। यह दिन हमारे देश का स्वर्णिम दिन है। इस दिन हजारों देशभक्त के बलिदानों से प्राप्त हुआ था। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में भाषण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बीसीएन न्यूज के लिए गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर।